नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं अस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शुक्र राशि परिवर्तन विशेष में। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि, भोग विलास, सौंदर्य, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का और ग्लैमर के कारक होते हैं, यानी शुक्र एक ऐसा ग्रह जो किसी के कुंडली में अगर खराब हो जाए तो करोड़पति अरबपति ही क्यों ना हो, कभी भी कोई सुख को नहीं भोग सकता है और कितनी भी परिस्थिति में, कितना भी उसके कुंडली में गुण मिल जाए, उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है या विवाह तक नहीं होता है या टूट जाता है। जी हाँ, शुक्र जो है ज्योतिष शास्त्र में इतने प्रभावशाली ग्रह हैं। और शुक्र जो है 24 सितंबर यानी आज रात्रि 9:21 से लेकर के 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र जो होते हैं ये कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन आज ऐसा संयोग है कि शुक्र कन्या राशि में प्रवेश भी कर रहे हैं तो भी उनका नीचता का फल नहीं मिलेगा, बल्कि और दो महत्वपूर्ण योगों की उत्पत्ति कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके जीवन में इसकी तरक्की भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि यह शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होने से मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आखिर कौन सा ऐसा दो संयोग बन रहा है कि शुक्र नीच के होने के बाद भी सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि शुक्र जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो कन्या राशि के स्वामी बुध जो है ऑलरेडी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र 18 अक्टूबर तक रहेंगे कन्या राशि में और बुध 26 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी जब तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे बुध का बल इनको मिलता रहेगा, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और शुक्र नीच का होता है, तो ये उत्पत्ति जो होती है इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी शुक्र और बुध की युति होती है तो इसे बोला जाता है लक्ष्मी नारायण योग या लक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथ में मैंने देखा कि इसे विष्णु योग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो जैसे ही शुक्र का प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में तो दो महत्वपूर्ण योगों का निर्माण हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि शुक्र के अशुभ फलों को शुभ फल में बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शुक्र जब भी कन्या राशि में विराजमान होते हैं तो अपनी सातवें दृष्टि से यह मीन राशि को देखते हैं और मीन राशि जो होते हैं यह शुक्र की उच्चतम राशि होती है, इसीलिए यह लाभकारी परिस्थिति रहने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको यह भी जानकारी देता हूं कि जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे तो किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी फल भी मिलेगा। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, नेता है या अभिनेता है, यानी ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो सिंगिंग के क्षेत्र में है, जो रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, जो सजावट से रिलेटेड काम करते हैं, जो फास्ट फूड से रिलेटेड काम करते हैं, जो वाहन क्रय विक्रय या बड़े शोरूम वाहनों का चलाते हैं, जो शराब से रिलेटेड काम करते हैं, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, जो ब्यूटी पार्लर, स्पा, मसाज सेंटर वगैरह चलाते हैं, आप सभी लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति डेयरी से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी व्यक्ति मेडिसिन से रिलेटेड काम करते हैं, या जो भी व्यक्ति कह सकता हूँ कि वाणी से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम करते हैं और साथ में जो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड काम करते हैं या ब्रोकरेज का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी शुक्र लाभकारी फल देगा। हालांकि एक जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं, कितना भी शुक्र जब कन्या राशि में हो तो है तो नीच का ही, भले लक्ष्मी नारायण योग के साथ जो है नीच भंग राजयोग बन रहा है, फिर भी मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी लोग अपने अगर कामुकता पे कोरा कंट्रोल करते हैं, आलस्यपन का त्याग करते हैं और धन का व्यर्थ का व्यय नहीं करते हैं तो इस नीच का शुक्र का और भी कोई अशुभ फल आपको मिल ही नहीं सकती है। बस आपको इन सभी चीजों पे नियंत्रण करने वाला रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र बहुत चालाक ग्रह है। ये क्या करता है कि लोगों को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवाने वाला होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, आपके जीवन में शत्रु और कर्ज की मुक्ति होनी चालू हो जाएगी। आपके संतान
आपके खिलाफ हैं या संतान से दूरी है, इन सभी प्रकार के समस्याओं में सुधार होना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। पुराने रिलेशनशिप अगर आपके खराब थे तो इसमें सुधार के योग बनेंगे। अचानक धन का व्यय जो हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। चारों तरफ फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। पारिवारिक तालमेल में विशेष सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मिलने वाले रहेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उससे लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कर्ज की मुक्ति होगी। विदेश जाने की संभावनाओं में 3-4 गुना वृद्धि के अवसर देखने को मिलेंगे। पेट संबंधित, यूरिन संबंधित, स्किन संबंधित, दांतों से रिलेटेड और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक होंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप चाहते हैं ना नुकुर ना करके विवाह कर लेना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल भी बहुत ही अच्छा होगा। किसी कारण से आपको नौकरी में बदलाव करना था लेकिन हिम्मत आपके अंदर नहीं आ पा रहा था, वह भी आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक ये है कि आपके प्रमोशन भी कोई नहीं रोक सकते हैं। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 51 बार जाप करिए। इसके फल में और शुभ बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग, नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग उत्पत्ति हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने वाला रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सामाजिक ख्याति बढ़ने लगेगी। नौकरी चली गई थी, दोबारा रिटर्निंग के योग बन जाएंगे। संतान से दूर हैं तो वह परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। पिता से आपके तालमेल में विशेष सुधार होगा। घरेलू आर्थिक स्थितियों में सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्ज की मुक्ति और शत्रु की मुक्ति के ही बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। इसके अलावा जो है जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनके जीवन में कह सकता हूं कि नौकरी को लेकर के बहुत मेंटल टेंशन था वह ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा जिससे आप डरते थे और एक जीवन में नए शुरुआत के योग बनेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। पुराने से पुराने लव रिलेशन में बेहतर सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे के पूरे जब तक शुक्र जो रहेंगे कन्या राशि में, आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को दही का भोग लगाना है और आपको इसी को प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण भी करना है। आप चाहे तो उसमें मिश्री मिला सकते हैं। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और इसके अलावा जो है नीच भंग राजयोग की स्थिति बनेगी। अर्थात सामाजिक ख्याति में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। चारों तरफ आपको सम्मान की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। माता से तालमेल ठीक हो जाएगा। अचानक भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा जो नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा सामाजिक ख्याति बढ़ जाएगी। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष बढ़ोतरी के अवसर देखने को मिलेंगे। हृदय संबंधित, पेट संबंधित, नेत्र संबंधित और सिर दर्द संबंधित समस्याओं में भी निजात मिलेगा। स्किन रैशेस, खुजली से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो है जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय में कुछ भी नहीं होगा, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। पिता के कर्म क्षेत्रों में विशेष तरक्की होगी। सीनियर अधिकारियों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। सम्मानित किए जाएंगे लोगों के समक्ष में आप और संतान सुखों में वृद्धि होगा। आपके संतान आपका कहना नहीं मानते थे उससे रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज प्राप्त होगा। शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बनती चालू हो जाएंगी। फिर भी इस शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मिश्री का भोग प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को या भगवान श्री गणेश को अवश्य लगाइएगा। कर्क राशि वाले, जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस और पराक्रम धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाएंगे। जो लोग आपको भयभीत कर रहे थे या डरा रहे थे या परेशान कर रहे थे, इससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। आय के स्रोत चारों तरफ से बढ़ने चालू हो जाएंगे। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से, बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से जो रिश्ते खराब चल रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। रुके हुए शिक्षा ठीक हो जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी का बेहतर लाभ मिलेगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा।
सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस यानी पराक्रम से जुड़े हुए काम में आप सफल होंगे, यानी आप रेसलिंग वगैरह से रिलेटेड हैं या किसी खेल कूद से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करने वाले रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के पैसे की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में अगर किसी बड़े जगह पे कुछ सफलता वाला काम करना चाहते हैं लेकिन किसी सीनियर अधिकारियों से या कि सरकारी अफसरों से तालमेल जो नहीं ठीक हो पा रहा था उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन एक पान पत्ते पे एक सुपारी रख करके भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए, बहुत लाभ होगा। सिंह राशि वाले जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम सबसे पहले आपके वाणी में कड़वाहट समाप्त होकर के शांति की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में जो खटपट और आय स्थिरताएं चल रही थी इसमें सुधार हो जाएगा। लव लाइफ में भी आपका सुधार हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपके सुधार के योग बन जाएंगे, ससुराल से तालमेल भी बहुत ही बेहतर हो जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे या अचानक विवाह के योग भी बन जाएंगे। नौकरी के बदलाव में बेहतर आपको अवसर देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत दिनों से आप काम पे फुल फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि के अलावा छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, रुकी हुई नौकरियां दोबारा प्रारंभ हो जाएंगी, रुकी हुए व्यापार में भी तरक्की के बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे, पिता के भी धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर खुलेंगे। पिता और आपके मध्य में तालमेल जो खराब चल रहा था इसमें सुधार होगा, ससुराल पक्ष से बेहतर सुधार होंगे और प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी कलेश या फिर अवश्विष्यता या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी इससे रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी और कुछ धन संचय करने के अवसर भी मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व एक काजू अवश्य खा करके निकलिएगा। कन्या राशि वाले जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में नीच भंग राज योग, लक्ष्मी नारायण योग और इसके अलावा जो है आपके जीवन में शुक्र जो है केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। ऐसे स्थितियों में क्या होगा, अपने जीवन में बड़े बड़े डिसीजन और बड़े बड़े निर्णय आप लीजिएगा, चारों तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। पारिवारिक धन की कमी या पारिवारिक मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है लव रिलेशन में आपका अचानक सुधार का संभावना बनना चालू हो जाएगा। पारिवारिक लोगों से जो पैसे को लेकर के विवाद है इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। केस मुकदमा या डर जो मन में चल रहा था अब अचानक इससे बाहर निकलना भी चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, कई फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और वैवाहिक जीवन में अचानक से बढ़िया शुरुआत होगा। पार्टनरशिपिंग में तालमेल में बेहतर होंगे, नौकरी में आई स्थिरताएं आ चुकी थी इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी, प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, विदेश जाने की संभावनाओं में जो रोड़ा उत्पन्न हुआ इसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। पिता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करने वाले रहेंगे, माता से तालमेल अच्छे होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अचानक कर्ज की मुक्ति के अलावा भूमि मकान वाहन का भी बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 51 बार जाप करके ही घर से निकलिए, आपके लिए इसका परिणाम बहुत ही बेहतर और लाभकारी मिलना चालू हो जाएगा। कन्या राशि वाले तुला राशि वाले जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी से जो बहुत दिनों से गुजर रहे थे इसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएगी। शत्रु डैमेज कर रहा था, शत्रु आपके पीछे साजिश कर रहा था इसमें सुधार हो जाएंगे। पुराने से पुराने केस मुकदमा में अचानक जो है बेल होने की संभावनाएं या केस खारिज होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। गले के रोग, पेट के रोग, सिर दर्द और नेत्र के संबंधित समस्याओं में सुधार हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत हद तक थोड़ा मोड़ा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होगा, विवाद खत्म होगा, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी और इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जो है किसी भी क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय हो अचानक तरक्की के रास्ते पे चलने चालू कर देंगे।
मन में नेगेटिविटी या फिर मन में कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि दुनिया में जीना बेकार है या रहूं कि नहीं रहूं, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को एक लाल पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए या रात्रि के समय शुद्ध घी का दीप जलाइए। देखिए कैसे तरक्की के रास्ते चार गुना और बढ़ जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आपके लिए यह लाभकारी योगों में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले आपके कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। पेट, गले, यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजिट या नेत्र से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, इसमें सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में खटपट था, वह ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में अचानक ग्रोथ देखने को मिलेंगे। आपके संतान आपका कहना मानेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ है। रुकी हुई नौकरी पुनः प्रारंभ हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अवसर को तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो है, शुक्र आपको संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति करवाएगा। आपके संतान आपसे दूर रहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है, आप अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। विदेश यात्रा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं या आय स्थिरताएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उससे भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा शुक्र जो है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। पुराने से पुराने लव जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण खराब हो चुकी थी, इसमें भी सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है, बड़े इन्वेस्टर आपको व्यापार में मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो है, आपके अच्छे योग बनेंगे, यानी जीवन साथी के तरक्की के रास्ते या उनके स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण फल यही मिलेगा कि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड शुक्र बड़ा लाभ दे देगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले, प्रत्येक दिन एक जो है सुपारी माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा और उससे बाद में फिर आप हटा दीजिएगा। धनु राशि वाले, जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में इसका क्या फल मिलेगा? सर्वप्रथम मैं बता दूं, आय को लेकर के और मतलब पैसे को लेकर के जो काफी समय से तनाव और परेशानियां चल रही हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा। पिता के स्वास्थ्य में और माता के स्वास्थ्य में अचानक से सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। सरकार के द्वारा या किसी बड़े कंपनी में है तो कंपनी यानी कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा गजब का सम्मानित आपको किया जाएगा। जो लोगों को लगता था कि नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई तरक्की के अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे, तो नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट स्थापित होंगे। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। खानदानी प्रॉपर्टी जो रुक गया था, सेल नहीं हो पा रहा था, वह हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं, मतलब आपको विदेश जाना है लेकिन आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगे। और व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। कोई शत्रु आपके ऊपर हावी है, तुरंत दूर हो जाएगा आपसे। कर्ज अचानक आप समाप्त करेंगे। और इसके अलावा जो है, संतान सुखों में वृद्धि के अच्छे अवसर दिखेंगे, यानी जीवन में एक नया कॉन्फिडेंस, रुका हुआ काम बढ़ेगा, पिता भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे, यानी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। धनुराशि वाले, बस आपको बिलीव सिस्टम को थोड़ा कम करके कॉन्फिडेंस में ज्यादा आना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जो है माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करना है, लेकिन उस दीप के घी में जब दीप प्रज्वलित करेंगे थोड़ा सा अक्षत यानी चावल डाल देना है। मकर राशि वाले, अगर आपकी बात करूं शुक्र राशि परिवर्तन का, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का एक शुभ योग की उत्पत्ति होगी। सर्वप्रथम आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने चालू हो जाएंगे।
आपके दोस्त परिवार रिश्तेदार ही आपको हमेशा नीचा गिराने का कोशिश करते हैं, तो उनसे रिलेटेड ऐसी स्थितियां और संजोग बनेंगी कि आपके तालमेल ऑटोमेटिक ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज में बेहतर लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर सुधार मिलेगा, पिता आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली मेंटली। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। बहुत दिनों से नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, या सीनियर अधिकारियों से दूर जाना चाहते थे या उससे ट्रांसफर कराना चाहते थे, एक गजब का संजोग इस तरीके का बनेगा कि ऑटोमेटिक इस प्रॉब्लम से आप निकल जाइएगा। इसके अलावा जो है शुक्र जो है आपको भूमि मकान वाहन का बहुत लाभ देगा, रुके हुए शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगे, शिक्षा से रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएंगी, अच्छे डिजिट से आप नंबर से पास करने वाले रहिएगा। संतान सुख से रिलेटेड लाभ मिलेगा, भूमि मकान वाहन का लाभ तो कम है, इसके अलावा संतान से मतभेदता भी खत्म होगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा, पुराने से पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, थोड़े से हो सकते हैं आई स्थिरताएं जीवन में आए परंतु आपका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होगा और वैवाहिक जीवन में गजब का सुधार हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके संतान आपसे दूर रहते हैं तो आपके नजदीक आ जाए या आप उनके पास चले जाए, फिर भी इस शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मिश्री प्रत्येक दिन जल में घोल करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और चना अमृत के रूप में इसी को थोड़ा सा आप लेकर के काम पे निकलिए। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तो आपके जीवन में सर्वप्रथम क्या फल मिलेगा? सर्वप्रथम ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी, मन में जो नेगेटिविटी आ रही थी, कॉन्फिडेंस में कमी आ रहा था, आत्महत्या जैसे मन में नेगेटिविटी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी, यह कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। दांपत्य जीवन में आपसी मतभेद या कलेश में थोड़ी सी कमियां देखने को मिलेंगी, सुख समृद्धि में लाभ देखने को मिलेगा, माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, सामाजिक ख्याति जो खराब हो चुकी थी या घरेलू ख्याति जो आपकी खराब हो चुकी थी, सपोर्ट किसी का नहीं मिल पा रहा था, सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करना है या उसमें लिटिगेशन या विवाद आ चुका है तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, यानी पुराने से पुराने लव रिलेशन में सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा, पिता आपको धन संबंधित सपोर्ट कर देंगे, पेट पैरों से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड और यूरिन से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि कुछ नया काम की ओर तरक्की के रास्ते खुले, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय से रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे, परिवार के लोग आपको वैल्यू ही नहीं दे रहे थे, परिवार के लोग आपको वैल्यू देना चालू कर देंगे, नहीं बोलने से बहुत लोग आपके गलत फायदे उठा रहे थे, बोलना चालू कर देंगे आप। इसके अलावा आप अपने हक के पैसे को लीजिएगा, अचानक धन आने की संभावनाएं बन सकती हैं, कोई पुरानी संपत्ति बिकने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं और सरकारी कामकाज का बेहतर परिणाम हो सकता है। हो सकता है कोई केस मुकदमा या आय स्थिरताएं जीवन में आए परंतु इसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ और हिम्मत के साथ आप इसको करने वाले रहिएगा, इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन भी आपके लिए खराब नहीं है कुंभ राशि वाले, बस आलस्यपन पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। और इसके अलावा धन थोड़े सोच समझ करके आपको व्यय करना पड़ेगा तो इसके लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, कपूर का दीप माता लक्ष्मी को दिखाना है और ओम श्रीम श्री नमः का 51 बार जाप करना है। मीन राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या शुभ और लाभकारी योग बनेगा? सर्वप्रथम मीन राशि वाले, वैवाहिक जीवन में थोड़े थोड़े सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़े से कलेश देखने को मिलेंगे, यानी अगर आपके खिलाफ कोई बात होता है या गलत आरोपों में फंसाया जा सकता है तो आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, या तो आप वैवाहिक जीवन को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा या परमानेंट समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार की संभावनाएं बनेंगी, केस मुकदमों से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस और हिम्मत में रहिएगा तो इससे लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा विवाद होगा लेकिन आपके फेवर में रहने वाला रहेगा, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर है,
विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जीवन में कुछ डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे वह लेना चालू कर देने वाले रहिएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। सेकंड संतान से तालमेल में सुधार होगा। तृतीय संतान से भी तालमेल में सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, गले के रोग, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड समस्याएं और पैरों से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही हैं इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। जीवन साथी आपको सपोर्ट तो करेंगे लेकिन वैचारिक मतभेदता में बढ़ोतरी देखने के अवसर हो सकते हैं, आपको इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होंगे। अचानक धन के लाभ बनेंगे और आपके पिता भी आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में परफेक्ट सपोर्ट करने की संभावनाओं को बनाने वाले रहेंगे। यानी आपका यह शुक्र का राशि परिवर्तन बेहतर और लाभकारी रहेगा, लेकिन मन पे यानी क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि चलाके से कोई काम करना है, यानी बुद्धिमता का प्रयोग करना है। बेवकूफी से हरकत करने पे शुक्र अपने नीच भंग राजयोग के अलावा नीच योग का थोड़ा सा खराब परिणाम भी दे सकता है। और केस मुकदमा से बच के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ही फंस जाए, ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, कपूर की आरती प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को दिखाइए या शुद्ध घी का दीप जलाइए। हो सकता है तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मखाना या काजू कतली अवश्य एक पीस चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें। प्रिय दर्शकों, शुक्र जा रहे हैं कन्या राशि में, बन रहा है नीच भंग राज योग और नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपको प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।